हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडर की तैयारी में। हम की तैयारी और आज हम बात करेंगे मार्केट का टॉप और बॉटम कैसे पता चलता है। ऐसे आप पहले से ही फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर टॉप बनाने वाली है और मार्केट यहाँ पर बॉटम बनाने वाली है। इस बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ दिन पहले पोस्ट किया था कि मार्केट लगभग 1700 के आसपास ही अपना बॉटम बनाकर यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। तो उस चीज़ का मुझे किस तरह पता लगा, सर मैंने मार्केट में क्या देखा कि मुझे पहले ही आइडिया हो गया कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल का एक ट्रेड दे सकती है। चलिए बात करते हैं इसी बारे में। तो मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये बताया था कि मार्केट टॉप और बॉटम कैसे बनाती है, इस चीज़ का कैसे पता करें। सेम उसी के अकॉर्डिंग जब भी RSI, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है और निफ्टी का चार्ट है, जब भी निफ्टी है डेली टाइम फ्रेम पर RSI 30 के आसपास आती है, मार्केट एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाकर वहां से रिवर्सल के लिए चली जाती है। आप पास्ट में भी इस चीज को देख पाएंगे कि जब जब भी RSI 30 के आसपास आई है वहीं से एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना के वहां से एक रिवर्सल के लिए चली गई है। जब भी RSI 30 के जोन में आए वहां पर आप एक रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको पोजिशनल ट्रेड प्लान करना है तो पोजिशनल ट्रेड प्लान के लिए आप मेरी पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। निफ्टी में पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है उसका लिंक मेरे आई बटन पर आप चेक कर सकते हैं। वहां से आपको निफ्टी में पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यानी आप तो एक तो हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बॉटम के लिए। अगर आप एक लंबा ट्रेंड प्ले करना चाहते हैं तो वो उस स्ट्रेटेजी में उसके स्ट्रेटेजी की डीपली इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है कि आप निफ्टी में पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरह बना सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें केवल शॉर्ट टर्म के लिए। जब भी निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर RSI 30, RSI क्या है, जो सिंपल RSI होती है, सिंपल मूविंग एवरेज जो 14 का है, 14 और 2 यही लगाया हुआ है। और इस पीछे भी चेक करते हैं तो चलिए पीछे चेक करते हैं। और जैसे हमने पीछे का कुछ चार्ट निकाल लिया है, पर आप पीछे में देखेंगे जब भी RSI 30 के आसपास आई है वहां से मार्केट ने एक रिवर्सल प्लान किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको रिवर्सल मिला, यहाँ पर एक छोटा रिवर्सल मिला, यहाँ पर भी जब RSI 30 के आसपास आई यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल मिला। जब जब RSI डेली टाइम फ्रेम पर 30 के आसपास आती है वहां से एक रिवर्सल जरूर लेती है। केवल जो स्टे उसमें केवल एक एक्सेप्शनल केस है वो है कोविड का। कोविड के टाइम पर निफ्टी की जो डेली टाइम फ्रेम की RSI है वो लगभग 18 के आसपास चली गई थी, नहीं तो उसके अलावा निफ्टी की RSI 30 के आसपास से ही रिवर्सल ले लेती है। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें तो जब भी निफ्टी की RSI टॉप बनाने के लिए 75 से 80 के बीच आती है या 80 या 75 के आसपास आती है तो वहां पर कहीं आपको टॉप देखने को मिलता है और आपको एक अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पर RSI लगभग 80 के आसपास आई और आपको एक छोटा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। पीछे भी 75 के आसपास RSI आई और आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। यानी जब भी टॉप मार्केट कब बनाती है, टॉप बनाती है जब RSI के टाइम फ्रेम पर RSI 75 से 80 के आसपास हो मार्केट टॉप बनाती है। और बॉटम कब बनाती है, ठीक है, बॉटम जब भी RSI 30 के पास चली जाए डेली टाइम फ्रेम पर, तो वहां पर आप एक बॉटम बनते हुए देख पाएंगे। ये अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं डेली अपना जो मार्केट का प्रतिव्यू है शेयर करता रहता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। मैं आगे इस बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स तो ले लेती है लेकिन ऊपर कहाँ जाकर ये अटकती है, ठीक है, यानी यहाँ से अगर मार्केट गई यहाँ पर ऊपर जाकर फिर कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगी, RSI के अकॉर्डिंग, RSI के अकॉर्डिंग किस तरह रेजिस्टेंस लेगी, ये मैं अपनी आने वाली वीडियो में शेयर करूंगा। मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।